सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के नफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहमो फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। जासूस के तौर पर हम वहां जाना चाहते हैं। हम मौलमा बन के जा सकते हैं। हम बच्चों को फ्रांसीसी या मौसीकी सिखा सकते हैं। यहां से दो सफात गायब हैं। ये कैसे हो सकता है? सफात गायब है उसे मालूम हो गया। तहसीन पाशा से असल दस्तावेजात लाने को कहा है। धक्का देने वाला बच्चा वही है जिसे बिदार खातून ने तहखाने में देखा था। सुल्ताना, धक्का देते हुए उसके हाथ से किताबचा गिरा था। रूसियों ने मुझे बेहतर ओहदे की पेशकश की और मैंने उसे कबूल कर लिया। खाके, फौजी पहचान नंबर और बयान में तब्दीली के साथ जो कुछ भी आपने कहा वो सब दुरुस्त है। अब अगर तुम अब्दुल हमीद के सामने जाने के बाद कोई भी वजाहत देने से इनकार नहीं करोगे तो इसके खानदान समेत तमाम मासूम लोग भी डूब जाएंगे। सुल्तान मौसम ने कहा है कि मैं आपको दे दूं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये क्या है। आप यहाँ? ये होटल है। बिल्कुल, उन्होंने सबको एक साथ रखा है। तो उनकी हिफाजत कौन कर रहा है? अगर कभी हम आपको ये तीर दें तो समझ जाइएगा कि हमें आपकी वफादारी पर यकीन है। हर नंबर एक हर्फ के बराबर है। ये हमारे दरमियान एक खसूसी खुफिया जुबान है। अहमद पाशा की जबान ने गद्दारी की, लेकिन उनके हाथ वफादारी की बात करते रहे। आपने ठीक कर दिया, हमारी कोहनी पर चोट लगी है। सुल्ताना, ये सिर्फ खेल रहे थे, खेलते हुए चोट लग गई। उसने दरवाजा बंद कर दिया और उसने ये बात भी कही कि मैं कारतूब को कत्ल करने जा रहा हूं और ये किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। सब खत्म। डरो मत, अहमद पाशा कुछ भी नहीं बोलेगा। वो नहीं बोला तो क्या हुआ? मैंने अपना काम खुद खराब कर लिया। क्या किया तुमने? अहमद पाशा को मारने वाला था मैं। मैंने पिस्तौल तानी अपनी, एन उसी वक्त तहसीन पाशा आ गए और उन्होंने मुझे रोक लिया। वो समझ जाएंगे कि मैं जासूस हूँ, मेरा काम तमाम हो जाएगा। अब क्या करूँ मैं? तुम जो जानते हो भूल जाओ, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूँगा। हमने आपको बताया था कि गुल जमाल एक ना अहल लड़की है और उसको फौरी महल से चले जाना चाहिए। जमीला सुल्तान, आप जानती हैं कि हम गुल जमाल के लिए मुनासिब जिम्मेदारी की तलाश में हैं। तलाश करती रहें और उस लड़की को अपने फर्ज को नजरअंदाज करते हुए महल में घूमने फिरने दें। कोई मसला हुआ है क्या? बिल्कुल हुआ है। हमारे रात मना करने के बावजूद भी वो बच्चा शहजादे के साथ बाग में खेल रहा था। मजीद ये कि उस बच्चे की वजह से शहजादे गिर गए और उन्हें चोट लगी। आखिर बच्चे हैं वो, उनका खेलना गिरना चोट लगना सब फितरी है। हम कोई बात नहीं करना चाहते बिदार सुल्तान,
गुल जमाल फौरन और इसी वक्त महल से जाएंगी। सुना आपने? महल से क्यों जाएंगी गुल जमाल बाजी? हम नहीं चाहते कि वो यहाँ से कहीं भी जाए। शहजादे, गुल जमाल आपके लिए मुनासिब मौलमा नहीं है। हम आपके लिए इससे बेहतर मौलमा का इंतजाम करेंगे। गुल जमाल बाजी से बेहतर और कोई मौलमा नहीं चाहते हम। ये हमारा हुक्म है कि गुल जमाल बाजी इस महल में हमारी उस्तानी की हैसियत से रहेंगी। आपको ये बचपन से ही बहुत पसंद है, हमें याद है। ये हमारी वालिदा आपके लिए खास तौर पर तैयार करती थी, है ना? हम काफी छोटे थे उस वक्त बाहर। आपको कैसे याद है ये सब? मुझे आपसे वाबस्ता हर बात याद है। मैं बचपन से ही आपको पसंद करती हूँ। मुझे आपकी घुड़सवारी, तलवारबाजी सब याद है। घुड़सवारी तो आपके भाई भी बहुत अच्छी करते थे। तौफीक पाशा वाकई काफी बासलाहियत इंसान है। वो मेरे भाई हैं, लेकिन आपकी बात कुछ अलग है। मैं आपके बचपन का दोस्त हूं बहार, जिनके साथ आप खेला करती थी। अब हम बड़े हो चुके हैं, हम दोनों शादी की उम्र को पहुंच चुके हैं। हमने वालिदा से जिक्र किया है, एक लड़की है जिन्हें हम पसंद करते हैं। हम चाहते हैं कि आप भी उनसे मिलें। पाशा, अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये क्या कर रहे हैं आप? माफ कर दे पाशा। किस बात की माफी मांग रहे हैं आप? मैं खुद अहमद पाशा को गोली मारना चाहता था। पाशा, मैं जानता हूँ उस वक्त आपकी कैफियत क्या थी, जब आपने देखा कि वो शख्स जिंदा है जिसने सुल्तान मौसम को धोखा दिया। जी बिल्कुल, ऐसा ही है पाशा। मैं रोक नहीं पाया खुद को, लेकिन आपका शुक्रिया कि आपने मुझे रोक लिया। फिक्र ना करो, अहमद पाशा ने धोखा नहीं दिया। कैसे पाशा? इसे आप रहने दीजिए, बहरिया को हुक्म दीजिए। एक मुहाजरीन का जहाज बहर अस्वद में है, अगर उन्हें उसके मुतालिक कोई खबर मिले तो फौरी तौर पर हमें इत्तला दें, समझे? ठीक है पाशा। शाबाश, अब जल्दी कीजिए। ऐसे लोग रियासत के पाशा हैं, अहमद। वफादार घोड़े, जब तुम जाओगे तो अब्दुल हमीद की वफादारी पर यकीन रखने वाला हर शख्स तुम्हारे साथ चला जाएगा। आ जाओ। जिस घोड़े की वफा पे अब्दुल हमीद को भरोसा था वो चला गया। तुमने वैसे ही किया जैसा हम चाहते थे अहमद पाशा। हमारी ख्वाहिश के मुताबिक अहकामात पर अमल किया तुमने, जहाज को डूबने से बचा लिया। अलबत्ता जब तक तुम यहां से नहीं निकलते हमें मोहतात रहना होगा। आफरीन, आफरीन, आफरीन। बात सुनो, मैं वाली हूं और तुम सफीर हो। मेरा ओहदा तुमसे बालातर है, याद रखना, जान से मार दूंगा तुम्हें। अब तुम पे आफरीन है। वाली की बात झूठ है, तुम इसकी कीमत अदा करोगे अहमद, देख लेना।
मौसम जवाद से बात कर ली है। क्या उसने यकीन किया? जी हाँ सुल्तान मौसम, मैंने कहा मैं खुद भी अहमद पाशा को मारना चाहता था। महमूद पाशा, जवाद का ताकुब कीजिए। जी जरूर सुल्तान मौजम, जरूर। मुझे यकीन है कि वो बुरी नजर वाला आदमी कुछ ना कुछ जरूर बुरा कर रहा है। जवाद पर इत्मीनान है, उसे शक नहीं होगा कि हम उसका ताकुब कर रहे हैं। जो कोई भी उसके साथ मुलव्वस है अब वो उसके पास जरूर जाएगा। ताकुब कीजिए। जी सुल्तान मौजम। आइए जकी पाशा। सुल्तान मौजम, आपका घोड़ा फरहान फरार हो गया, वो अस्तबल में नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं पाशा? फरहान दरवाजा खुला होने के बावजूद भी अस्तबल से नहीं जाता। मैंने उसके खाने के वक्त लगाम उतारी थी, हम खुद उलझे हुए हैं। जो भी हमारा वफादार होता है वो चला जाता है। आह नायमे, आह, आप हमारी बात क्यों नहीं सुनती? आप तो खुश होंगी, बिलाखिर आप अपने मकसद में कामयाब हो गई। गुलजमाल यहीं रहेंगी। जमीला सुल्तान, दरअसल अगर आप गुलजमाल को जानती तो आप उनसे मोहब्बत करती। यकीन कीजिए हमारे शहजादे के लिए अच्छा होगा। गुलजमाल वाहिद मुअल्लिमा है जिन्हें वो सुनते और कबूल करते हैं। शहजादे तो ना समझ है, आपको तो समझना चाहिए बिदार सुल्तान। ये कौन है? क्या ये नायमे है? ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं? शायद वो चाहती हो कि उन्हें देखकर कोई पहचान ना सके। ये कहाँ गई थी? नायमे बेटी। वालिदा, फूफी जान, क्या आप सैर के लिए बाहर गई थी? जी वालिदा। कौन गया था आपके साथ? हमारा एक मुलाजिम था। क्या एक सुल्तान की बेटी एक ऐसे शख्स के साथ घूमे जिन्हें वो जानती नहीं, क्या ये अच्छी बात है? क्या ये करने की इजाजत आपने दी थी इन्हें? वालिदा की कोई गलती नहीं है इसमें, हम जल्दी में थे पुपी जान। कैसी बदलिहाजी है ये, कैसी जुर्रत है? हम थक गए हैं, इजाजत दीजिए। हमें भी इजाजत दीजिए। वाह वाह वाह, उस्मानियों का यह अजीम हरम इन माँ बेटी के हाथ में है, हम इसकी सजा देंगे। बोलिए सुल्ताना। नायमे के साथ ये शख्स कौन था बताइए, मालूम करके जल्दी। जो हुकुम सुल्ताना। इसमें खौफजदा होने की कोई बात नहीं है वालिदा, बशीर साहब ने हमारा बहुत ख्याल रखा है। क्या आपकी निगरानी करना उनके फरीजे में शामिल था नायमे बेटी? हमारा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ है, और बच्चों ने हमसे बहुत प्यार किया है। कल नहीं, कल नहीं नायमे, ना कल और ना फिर कभी, आप ऐसे नहीं जाएंगे। हमें वो खत्म करने दे जो शुरू किया है, हमारे अलावा कोई और जाएगा तो उन्हें शक हो जाएगा। नायमे, आपको एहसास है कि आपने हमें कितनी मुश्किल में डाल दिया है? माफ कर दे, देखिए हमें पहले दिन ही क्या मिल गया। ये उस बच्चे के बिस्तर से मिली है जिसने इस आयत के मुतालिक तकरीर की थी। तो इससे सबको गुमराह कर रहे हैं? ताज्जुब की बात नहीं कि बच्चे उलझे हुए हैं। हमने तहखाने से काम शुरू किया है, हम जानते हैं ये कौन तकसीम कर रहा है। आप पूछ लें बाबा से, शायद वो इजाजत दे दे। रियासत उस्मानिया ने ताजरों को किसके सुपुर्द किया? एक होटल के मुलाजिम ने जो कुछ देखा वो हमारे अखबार के नुमाइंदे को बताया। कारतोफ का कातिल उस्मानी जासूस खलील खालिद है। कारतोफ की मौत सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हो सकती है। इस्तकबालिया वाला ये लड़का कहाँ है? मैंने उसकी तफ्तीश की है जनाब,
वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे रियासत मुश्किल में आए। उसने किया है तातार। ठीक है जनाब। नादिर साहब, आसिफ, उस्मान, आप सब यही रहेंगे। कहाँ जा रहे हैं जनाब? अखबार के दफ्तर। अखबार के दफ्तर। दुकान के अंदर क्यों गया है? बेटा जाहिर है जिससे उसका रास्ता है वो यहीं से मुंसलिक है। हम अंदर जाएं क्या? थोड़ा इंतजार करेंगे, अगर नहीं आया तो अंदर जाएंगे। अब आपको यहां अतराफ में नजर रखनी होगी। जाइए शाबाश। आ जाओ। बेटा इंतजार करते हुए बहुत देर हो गई है, अब हम अंदर जाएंगे। चलो बेटा, चलो बेटा, चलो चलो। काफी मोहतात हो गए हो। हम निशाने पर हैं। वो तुम्हें नहीं पकड़ सकते। तहसीन पाशा बहुत अहमक हैं। वो समझते हैं कि मैं अहमद पाशा को इसलिए खत्म करना चाहता हूं कि उसने सुल्तान मुअज्जम को धोखा दिया। और क्या कहा उसने? उन्होंने कहा, फिक्र मत करो, अहमद पाशा गद्दार नहीं है। और कहा कि बहरिया के जरिए बहरे अस्वद में एक जहाज है जिसे बचाना है। क्या? मुझे नहीं मालूम कैसे, लेकिन अब्दुल हमीद ने अहमद पाशा का मसला हल कर लिया। मेरा काम तमाम हो जाएगा। फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन सुबह अहमद पाशा का सर बलगरात के जंगल में कलम कर दिया जाएगा। आप जानते हैं अब्दुल हमीद को? जानता हूं मैं, इसीलिए मैं तब तक यकीन नहीं करूंगा जब तक मैं अहमद पाशा को मरा हुआ ना देख लूं। आपको फरहान के साथ टहलना पसंद था सुल्तान मौसम? वो पाया तख्त से मानूस था और वफादार घोड़ा है। इंशाल्लाह एक दिन वो जरूर वापस आएगा। इंशाल्लाह। आप क्यों परेशान है मलिका? नाई में उन्हें मकतब वाले मामले में बहुत दिलचस्पी है। आज वो बशीर साहब के साथ मुअल्लिमा बनकर मकतब चली गई। पहले ही दिन वो एक दस्तावेज लाने में कामयाब भी हो गई, लेकिन वो बहुत पुरजोश हैं और पीछे नहीं हटना चाहती। नाइमे ने बगैर इजाजत या फरीजा अपने जिम्मे लिया, ये तरीका दुरुस्त नहीं। लेकिन दूसरी जानेब उन्होंने एक अच्छा काम किया और साथ ही जुरतमंदी का सबूत दिया। तो क्या आप उन्हें इजाजत दे देंगे? आपका क्या ख्याल है? इस मसले की हसासियत के पेश नज़र फौरी तफ्तीश की ज़रूरत है। हम कहेंगे कि हमें तजुर्बाकार जासूस के साथ ही काम करना चाहिए। बिल्कुल। सुल्ताना। बहार बेटी, क्या आपने हमारे हुक्म पर अमल दरामद किया? जी सुल्ताना। क्या हो गया है? आप ठीक नहीं लग रही, कोई परेशानी है क्या? ठीक हूँ। आपको भी मुबारक हो। मेहमत ने आपको उस लड़की से मुतारिफ करवा दिया है जिससे वो मोहब्बत करते हैं। बाहर बाग में चहलकदमी करते हुए हमने एक रींगता हुआ कीड़ा देखा। जब वक्त आएगा तो वो कीड़ा
एक खूबसूरत तितली में तब्दील हो जाएगा। यानी कल अचानक सब कुछ मुख्तलिफ हो सकता है, इस बात को जहन में रखना, ठीक है? अब आप जा सकती हैं। सुल्ताना आ जाइए दिलरुबा, आपके लिए तुर्क कहवा लाई हूं। हम तुमसे कुछ चाहते हैं। किस बारे में? गुलजमाल के बारे में। सकीना, मैं बहू बनकर एक बहुत बड़े घराने में आई हूँ। ममूद बाबा कहते हैं तारीख उनके बारे में लिखेगी क्योंकि वो बहुत अहम शख्सियत हैं। देखने में तो नहीं लगता। नहीं, ममूद बाबा से हर कोई डरता है यहाँ, और उनकी बहू होने की वजह से मैं भी तारीख की अहम शख्सियत में से एक होंगी। हर कोई मोनिका का एहतराम करेगा यहाँ। ये क्या, तुम्हें तो इस गली में कोई जानता भी नहीं, इसे एहतराम कहते हैं? मैं ममूद पाशा की बहू हूँ मोनिका। वो एहतराम नहीं कर रहे। मेरे आने पर आप सभी लोगों को खड़े होकर सलाम करना चाहिए। ये क्या कह रही है? शायद पागल है। अल्लाह अल्लाह, जरा इस दूसरी लड़की को तो देखो। जाओ लड़की, यहाँ से जाओ। खामोश, अपनी हाथ पे रहो, तुम इन्हें नहीं जानते। खड़े हो जाओ, जल्दी खड़े हो। मैं कह रही हूँ खड़े हो जाओ। बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ अभी। रुबीना, रुबीना, मुझे तुम्हें जिंदान से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकालना चाहिए था। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। तुम फौरन उस खबर की तर्दीद करोगी, वरना मैं तुम्हें दोबारा जिंदान में डाल दूंगा। नहीं कर सकती ऐसा, मैं नहीं कर सकती हूँ ऐसा। मैं खलील खाले, वो मुझे मार डालेंगे। वो जानते हैं कि मैंने आपकी मदद की थी। अगर मैंने उनकी बात न मानी तो वो मुझे मार डालेंगे। एक दिन के लिए भी जिंदा नहीं रहने देंगे। बस बस, खड़ी हो जाओ। अगर मेरे बस में होता तो मैं उनकी बात कभी ना मानती। जिस दिन आप चौरस को खत्म कर देंगे वो मेरी दोबारा पैदाइश का दिन होगा। तुम वाजे तौर पर मुश्किल में हो। सजा के तौर पर तुम्हारे लिए यही काफी है। रुको, जरा मुझे अंदाजा लगाने दो। क्या अहमद पाशा ने तुम्हें थप्पड़ कहाँ मारे? हाँ, उसे भेज दो यहाँ से। हम उसे भेज देंगे उसे। हम इस बोरे में अहमद पाशा का सर डाल के भेजेंगे। दरअसल आप सफीर हजरत इसके आदि जो नहीं है, और जो थप्पड़ उसने आपको मारा है उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। और उसका सर काटने के बाद आप जितने चाहे उसके सर पे थप्पड़ मार लीजिएगा। अहमद पाशा ने आपके सामने खड़े होते हुए अब्दुल हमीद को पैगाम दिया है। सब खराब कर दिया आपने। सुबह होते ही जल्लाद अहमद पाशा का सर काट के बलगरात के जंगल में फेंक देगा और ये सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसका मुर्दा जिस्म अब्दुल हमीद को मार देगा। मैं भी वही मौजूद होऊंगा। उस्मानी थप्पड़। अल्लाह उम्र दराज फरमाए। क्या जवाब का ताकुब करने से आप किसी नतीजे पर पहुंचे? बदकिस्मती से नहीं सुल्ताने मौज़म, जवाब साहब तस्वीर खींचने वाले की दुकान में गए। बहुत इंतजार किया लेकिन वो बाहर नहीं निकले, तो हम उस दुकान में दाखिल हो गए।
लेकिन वो अंदर भी नहीं थे। हमने दुकान का मुआयना किया लेकिन कोई खुफिया दरवाजा नहीं था। शायद हो सकता है कि उसने भेस बदल लिया हो। मेरे जहन में भी यह ख्याल आया था सुल्तान मौज़म, लेकिन किस्सा मुख्तसर ये कि जवाहर साहब का ताकुब करते हुए हम कुछ भी हासिल नहीं कर सके। वो किससे मिलता है, किससे अहकाम लेता है, कुछ नहीं जान सके। सुल्तान मौज़म आइए पाशा। सुल्तान मौज़म जवाद महल वापस आ गया है, आपका क्या हुक्म है? हमें लगा था कि वो हमें अपने सरगना तक ले जाएगा, लेकिन वो जो भी है सख्त एहतियाती तदाबीर अख्तियार कर रहा है, अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जवाद को गिरफ्तार कर लें। क्या तुमने जमीला सुल्तान के बेटे और बहार साहिबा को देखा? नहीं, तुमने उन्हें कहाँ देख लिया? जहेज का सामान लेने गए थे। माशाल्लाह दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे थे। क्या वो इतनी जल्दी शादी कर रहे हैं? वो बरसों से एक दूसरे को जानते हैं और बरसों से एक दूसरे का होने का इंतजार कर रहे हैं। आपने ये कहाँ सुना? जमीला सुल्तान से सुना ये मैंने। वो दोनों और उनके घर वाले भी इस रिश्ते से राजी हैं। तुम हमारे महल में दाखिल हुए, हमारे राजों तक पहुंचे, तुमने हमारी बातें सुनी और फिर तुम हमारी सारी मालूमात और खबरें दुश्मनों तक पहुंचाते रहे। मैंने नहीं किया। झूठ मत बोलना। तुमने जो कुछ किया वो तुम्हें जल्लादों के हवाले करने के लिए, तुम्हें फांसी देने के लिए काफी है। अब बताओ हमें, तुम्हें यहां आखिर किसने भेजा? वो अहमद पाशा के साथ आखिर क्या करने वाले हैं? खैरियत तो है? क्या हुआ सिपाहियों? उम्मीद है कुछ बुरा नहीं हुआ होगा। नहीं नहीं, वो जवाद साहब धोखेबाज निकले, और भी पता नहीं क्या क्या किया है उन्होंने। आप क्या कर रहे हैं? तलाशी ले रहे हैं। अच्छा, तो क्या आपने उसे पकड़ लिया? वो पकड़ा गया है, पकड़ा गया है। लेकिन हैरत है कि आप जवाद साहब के लिए इतने फिक्रमंद किस वजह से हैं? दरअसल वो इस कमरे में होता था, इसीलिए हैरान था मैं बस। धोखा दही और वफादारी, ये दोनों क्या पुरानी बातें नहीं है पाशा? हर चीज की हैत बदलती है, लेकिन खयानत की कभी नहीं बदलती। जी हाँ, हर चीज बूढ़ी होती है, लेकिन गद्दारी बूढ़ी नहीं होती।
और हर चीज की कीमत कम होती है लेकिन वफादारी की कीमत कभी कम नहीं होती। इस बात को समझें। हाँ, अगर आप इस महल में रिहाइश पजीर हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हर खुले दरवाजे से अपना सर टकराते फिरें। गुस्ताव साहब, जब वाद को गिरफ्तार कर लिया है, इस्माइल को जाके बताओ कि हमें उसे बचाना है। लेकिन कैसे? मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। अगर वो जवाद को बोलने पर मजबूर करते हैं तो मुझ तक पहुंच जाएंगे। मैं तुम्हें हर बात तफसील से बताऊंगा, गौर से सुनो। ये क्या है, भुने हुए चने या फिर सफेद फलियां? खुशबू अच्छी है इनकी। तब हमारे पास जवाद को बचाने का एक आसान तरीका होगा। लेकिन तुमने इस्माइल से जरूर बात करनी है। चलो आओ। खातून, आपको यकीन है कि खाना आप हमारे लिए बना रही हैं? क्यों, क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा? नहीं, खाना आप अच्छा बनाती हैं। इस बावर्ची खाने से खाना कैदियों और सिपाहियों को जाता है। महल में खाना कोई और बनाता है, लेकिन मैं महल का खाना खाता हूँ। और अगर उन्हें पता लग गया कि आप अच्छा खाना पकाती हैं, तो वो आपको दूसरे बावर्ची खाने ले जाएंगे। ठीक है, तो आपके लिए भी बना दूंगी मैं। रुको जरा। इसे चक्कर बताओ। जबरदस्त, बहुत खूब, लजीज है, बहुत लजीज। यकीनन आपके लिए बेहतरीन जगह बावर्ची खाना है। ये शौहर है मेरे। सुल्तान मौज़म, हुम्बर साहब तशरीफ लाए हैं। उन्हें अंदर ले आइए। जी सुल्तान मौज़म, आ जाइए। आइए। सुल्तान मौसम, अखबारों की सुर्खियां देखकर तमाम असलहे के ताजर परेशान हैं। सुना है हमने, लेकिन हमारी रियासत उनको तहफ़ुज़ फराहम कर सकती है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, लेकिन यहाँ आने वाले ताजर और वो असलहे के खरीदार जो दूसरे ममालिक से आ रहे हैं, उनकी सोच बिल्कुल मुख्तलिफ है। जिस शख्स को आपने हिफाजत का जिम्मा दिया है, उन्हें उस पर शुभात हैं। होटल के मुलाजमीन का कहना है कि खलील खालिद कातिल है। तो उन्होंने आपको बताया कि वो क्या चाहते हैं? सब अपनी हिफाजत की यकीन दहानी चाहते हैं, ऐसा हिफाजती लाहे अमल जो सबको कबूल हो। मुझे यकीन है कि एक बैनुल अक्वामी हुक्मनामे से हासिल हो सकता है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं तमाम ताजरों की हिफाजत की जिम्मेदारी लेता हूँ। ठीक है हुम्बर साहब, अब ये जिम्मेदारी आपकी है। हटो 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 हटो, क्या हो रहा है यहाँ? हाँ, मेरे दरवाजे के आगे ये भीड़ क्यों जमा है? तुम ऐसे क्यों मेरे मुंतजिर हो जैसे मैंने तुम्हारा कर्ज देना हो? आप अंदर मौजूद पागल लड़कियों से पूछे महमूद पाशा। महमूद पापा, इस आदमी ने आपकी बहू का एहतराम नहीं किया। तो फिर मैंने इन्हें अपने अंदाज में आदाब सिखाए। इसने दुकान में मौजूद कुर्सियाँ और दीगर अशिया तोड़ दी और मेरी दुकान को भी बर्बाद कर दिया। सिर्फ नुकसान ही नहीं, बदनामी भी बहुत हुई है हमारी। हमने खवातीन पर हाथ नहीं उठाया है, लेकिन हम इन दोनों की शिकायत करेंगे।
ठीक है, बस बस मैं ये मसला समझ गया। बेटा तुमने ऐसा क्यों किया बताओ मुझे। तारीख में लिखा जाएगा महमूद बाबा कि ये वो गद्दार हैं जिन्होंने महमूद पाशा की बहू का एहतराम नहीं किया और उनके खिलाफ बगावत करने आ गए। ठीक है मैं समझ गया, बस अब तुम लोग ऊपर जाओ, चलो जाओ जल्दी जाओ जल्दी। आप सब लोगों का जितना भी नुकसान हुआ है मैं वो सब पूरा कर दूंगा, हर एक चीज का इजाला कर दूंगा, आप भी सब भूल जाएं। ठीक है बादशाह, ठीक है। ये लो बेटा, उम्मीद है कि ये रकम आप लोगों के होने वाले नुकसान से 3 या 4 गुना ज्यादा ही होगी। अल्लाह आप लोगों के लिए आसानी फरमाए, अल्लाह मदद करे, अल्लाह मदद करे। कारासू सबा जी, जरा आहिस्ता बोलिए। फिक्र मत करो क्योंकि इस हुलिये में तो आपके बाबा भी आपको नहीं पहचान सकते। वैसे आप यहाँ पहुंचे कब? कुछ रोज कब्ल। अच्छा तो कहाँ रह रहे हैं आप? अपने बाबा के घर में, मतलब उन्होंने माफ नहीं किया, वो ये भी नहीं जानते कि मैं आ गया, उनके किराएदार के साथ हूँ। जहीन शहजादे, जो हुआ उसे भूल जाए, हमें खेल में दोबारा शामिल होना है। कारासू, वो सलमान नामी आदमी, उसने अब्दुल हमीद का हर जानिब से मुहासरा कर लिया है। अच्छा है, मजे कीजिए और उन्हें लड़ने दीजिए। अगर सलमान जीत जाता है तो क्या आप हैरान होंगे, उसे बर्तानिया ने इस काम के लिए रखा है, यानी सरमायादारों ने। लेकिन शहजादे, अब आप सरमायादारों के साथ काम नहीं करेंगे। मैंने सबक सीख लिया है, इनकलाब की कोशिश की वजह से मैं उनका मकरूज हो चुका हूं। मैं दोबारा खेल में शामिल होना चाहता हूं कारासू, एक बार फिर मैं पहले रकम हासिल करके कर्ज से छुटकारा हासिल करूंगा और फिर दोबारा मेरा हदफ अब्दुल हमीद होगा। क्या आप साथ हैं? मैं इसीलिए आपको बहुत पसंद करता हूं कि हर कोई डर जाता है और थक भी जाता है, लेकिन आप ना थकते हैं और ना ही डरते हैं। मैं आपके साथ हूं सबाद्दीन, मेरा यकीन कीजिए। क्या ये शहजादे के लिए है? हाँ। मैं ले जाती हूँ, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। दिलरुबा, उनका कमरा करीबी है, मैं दे देती हूँ। अगर मैंने ये तुर्क कहवा गिरा दिया तो तुम्हें जाकर दूसरा बनाना पड़ेगा, समझी? आ जाए शहजादे, मैं आपके लिए तुर्क कहवा लाई हूं। रख दीजिए। क्या इसके अलावा आपको कुछ और चाहिए शहजादे? नहीं। असल में शहजादे, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, महसियत के बारे में। क्यों, क्या हुआ उन्हें? आपने उसे जो तोहफा दिया है वो हर एक को बता रही है। जब मैंने उसे ये करने से मना किया तो उसने मुझे डांट दिया। मैंने सोचा मैं आपको ये बता दूं। मतलब कि उन्हें पसंद आया, खुशी हुई, हमें जा सकती हैं।
सलाम अलैकुम चाचा। वालेकुम सलाम। क्या हुआ, क्या तुमने फर्ज सुपुर्द कर दिया? हमने कर दिया चाचा, कर दिया, लेकिन अच्छा महसूस नहीं हो रहा। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो उस्मान? क्या आप जानते हैं कि हमने किसके हवाले किया चाचा? किसके हवाले? दुश्मनों के, वो ताजिरों की हिफाजत कर रहे हैं। जनाब, उन्होंने इस्तकबालिया वाले लड़के को मार दिया है। ये महल से आपके लिए भेजा गया है, कोई खुसूसी पैगाम है। क्या आपको असलहे के तमाम ताजिर मिल गए? सब मिल गए। ले चलो इन्हें। जाने दो, हमने कुछ नहीं किया, हमें कसूर है। जाने दो हमें, जाने दो हमें। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? अगर तुम चाहते हो कि शिकार पकड़ा जाए तो फिर खामोश रहना सीखो। मैं हूं। बोलो। अब्दुल हमीद का खेल खत्म। हमारे आदमियों ने ताजरों की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है, हम उनके हथियार छीन लेंगे। मुबारक हो। अब आपकी बारी है, क्योंकि बलकान आपका इंतजार कर रहा है। हथियार? जब वो तैयार हो जाएंगे तो हम सैलानी के लिए चले जाएंगे। बेहतरीन, बेहतरीन। मैं जितनी जल्दी हो सके जाना चाहता हूं। क्या मैकडेल आ गया है? जी आ गया है। बेहतरीन, मैं उससे अभी मिलना चाहता हूं, फिर मुझे शिकार पे भी जाना है। इस वक्त शिकार पे? शिकार कौन है? अहमद पाशा। आप अब्दुल हमीद का चेहरा देखकर हैरान रह जाएंगे जब वो बलकरात के जंगल में अहमद पाशा का सर एक बोरी में देखेगा, है ना? मैं खुश होऊंगा। मैं भी। इसीलिए अब आप यह शह सुर्खी लगाने जा रहे हैं कि आपको एक कटा हुआ सर मिला है, और उस वक्त मैं अब्दुल हमीद के पास होऊंगा। तुम मरने के लिए जा रहे हो अहमद पाशा? तुमने मुझे थप्पड़ मारा था, है ना? अब ये लो। अब मैंने तुम्हें सर मार दिया बदसात। इसे ले जाओ और इसका सर उतार दो। ले जाओ इसे। जिसके हाथ बंधे हुए हैं और मुंह पर कपड़ा है, शायद वही अहमद पाशा है। हमें मारना चाहते थे, हम उन्हें नहीं जानते। अगर ये उस्मानी जासूस ना होते तो अब तक हम मर चुके होते। हम इनके शुक्रगुजार हैं। हम रूसी सफीर को मारेंगे और उसके बाद बलकान में अपना काम जारी रखेंगे।